पूछा करना कैमरा सेल्फी दीपक सोनी के साथ, जैसे कि लॉकडाउन के चलते हर चीज पर प्रभाव पड़ा है, वहीं अगर हम शिक्षा की बात करते हैं तो शिक्षा पर भी पूरी तरह से प्रभाव पड़ा है। लेकिन आज जो स्कूल है, स्कूलों को सबके जरिए मैसेज कर दिया गया था, उन्हें आज स्कूल में बुलाया गया है। एडमिशन और ऑनलाइन इनकी स्टडी चल रही थी, लेकिन आज इनसे फॉर्म फिल करवाए गए हैं। तो वहीं यहाँ पर हमने देखा किस तरह से टीचर्स हैं बच्चों के फॉर्म ले रहे हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं, लॉकडाउन के चलते कोरोना महामारी के फैलते तो सोशल डिस्टेंसिंग भी हमें कहीं नजर नहीं आई। तो इसी को लेकर हम स्कूल के जो प्रधानाचार्य हैं, हम उनसे जानेंगे कि किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन कर रहे हैं और किस तरह से एडमिशन किए जा रहे हैं। तो चलिए मेरे साथ प्रधानाचार्य से जान लेते हैं उनका कहना। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल 2017 से मैं यहाँ कार्यरत हूँ। हमारे स्कूल में एडमिशन चल रहे हैं छठी से बारहवीं, हमारे छठी से आठवीं तक मोसा मार्केट ब्रांच में वहाँ क्लासेज लग रही हैं और इधर नौवीं से बारहवीं यहाँ पे रोड पर लग रही है। जैसे मैडम बात करते हैं ऑनलाइन स्टडी करवाई जा रही है, लेकिन एडमिशन पहले ही हो जाती है, जैसे कि अप्रैल मई में एडमिशन स्टार्ट होते हैं, लेकिन अब लॉकडाउन के तहत आज एडमिशन जो फॉर्म फिल किए जा रहे हैं यहाँ पर। अगर स्टडी की बात करते हैं तो ऑनलाइन स्टडी बच्चों को किस तरह करवाई जा रही है? बच्चों को हमने उनके व्हाट्सएप नंबर ले लिए थे जी पहले, और व्हाट्सएप ग्रुप में बच्चों को जोड़ लिया था, और उसके तहत हम ऑनलाइन स्टडी हमारे सभी सब्जेक्ट्स के सभी टीचर्स दे रहे हैं और बच्चों का बहुत अच्छा रिस्पांस भी आ रहा है, उनका होमवर्क भी चेक किया जा रहा है। और जो एडमिशन फार्म हमने आज 9th के सिर्फ बच्चों को बुलाया था ताकि ज़्यादा स्ट्रेंथ ना करें, सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए सिर्फ 9th क्लास के बच्चे जो है आज हमारे यहाँ पहुँचे थे और उनके एडमिशन फार्म हमने आज भरे हैं। और उनका वैसे हमने एडमिशन व्हाट्सएप पर किया था फिजिकली, लेकिन जो है ऑनलाइन एडमिशन अब फॉर्म भरने के बाद हम कर लेंगे। और सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं तो किस तरह से सोशल डिस्टेंस को मेंटेन किया गया है? और दूसरी बात, टोटल स्टाफ आज कितना बुलाया गया है? हमारे आज लगभग 20 मेंबर आए हुए थे और हमारे हॉल कमरा जिसकी कैपेसिटी लगभग 300 की है, हमने वहाँ 100 चेयर्स लगाई हुई थी खुली खुली करके, और वहीं हमने बच्चों को भी बीच में एक एक चेयर का गैप देकर वहाँ बताया हुआ था, और वहाँ बता कर उनकी हमने आज एडमिशन फॉर्म फिल करे हैं, सारी गाइडलाइन भी हुई है ऑनलाइन। इसके साथ जो हमारे कंपटीशन भी करवाए गए थे, ड्राइंग का कंपटीशन कोरोना से संबंधित ही था, कोविड-19 से संबंधित बच्चों को जानकारी दी थी, एक हमारे ऐसे राइटिंग कॉम्पिटिशन और एक ड्राइंग कॉम्पिटिशन, दो सैटरडे लगातार हमने वो कॉम्पिटिशन करवाए, उनके चेक भी किए गए और बच्चों को सर्टिफिकेट भी हमने उनके दिए गए।